हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बस बार के बारे में। आखिर इलेक्ट्रिकल के जो पैनल्स होते हैं उसमें बस बार का इस्तेमाल क्यों किया गया है, आखिर टेक्निकली इसके पीछे क्या रीज़न है जिसके वजह से बस बार का इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हुए आ रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो के एंड तक आपको जो है इसके बारे में सारी नॉलेज आपके पास होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसकी अपडेट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो है लाइक का एम रखते हैं 10। आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जो है इसे लाइक जरूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर बस बार क्या है। तो गाइस, ये जो बस बार है ये एक मेटेलिक स्ट्रिप होता है। बेसिकली ये जो बस बार्स होते हैं ये दो मटेरियल का बना हुआ होता है, पहला जो है एल्यूमिनियम और दूसरा आपको कॉपर को देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया दो मटेरियल का यूज़ करते हैं हम लोग बस बार के लिए, सबसे पहला जो है वो कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम। तो कॉपर का यूज़ जो है आपको नॉर्मली जो VFD होते हैं यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये जो एल्यूमिनियम है इसका बस बार का कनेक्शन आपको जो हर एक इलेक्ट्रिकल के पैनल्स में मिलेंगे। ये कॉपर बस बार का यूज़ इसलिए कम करते हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर इकोनॉमी के तरफ से देखा जाए तो ये कॉपर बस बार का एक जो है डिसएडवांटेजेस है जिसके वजह से इसका यूज़ थोड़ा कम होता है, लेकिन हम लोग जो है नॉर्मली एल्युमिनियम बस बार का यूज़ हर जगह करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो इलेक्ट्रिकल के बस बार है इसका यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल के MCC पैनल यानी कि मोटर कंट्रोल सेंटर के पैनल्स देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है जनरली ये बस बार्स का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग वो बस बार का कनेक्शन ना करके अगर हम लोग केबल का कनेक्शन करते तो क्या प्रॉब्लम आता, अगर आप ये समझ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बस बार का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, सपोज़ मान लीजिए कि आप केबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो केबल को जो है 90 डिग्री सबसे पहले ट्विस्ट करना बहुत प्रॉब्लम है, और कभी कभी तो अगर हम लोग इसे ज़बरदस्ती ट्विस्ट भी कर भी देते हैं तो ये जो है उस जगह से ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसके वजह से हम लोग जो है बस बार का यूज़ जो है पैनल्स में करते हैं क्योंकि ये जो बस बार है ये इजीली ट्विस्ट हो जाता है और हमें जहाँ जहाँ सप्लाई चाहिए उस जगह में हम लोग जो है सप्लाईज को बहुत आसान तरीके से दे देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं इस पैनल्स में आपको जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है आपको ये बस बार्स का जो है कनेक्शन देखने को मिलेगा। पहले तो जो हमारा ये MCC पैनल है इस पैनल में जो है जो इनकमर सप्लाई आता है उधर से ही जो है हमारा बस बार का कनेक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले बस बार जो है हमारा मेन सर्किट ब्रेकर जो लगा हुआ होता है उससे होकर के वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल के पैनल से उस पैनल्स में जो हॉरिजेंटली सबसे पहले सप्लाई दिया जाता है और उसके बाद जो है वर्टिकली जो हमारे बस बार्स के चैम्बर्स होते हैं उस चैम्बर्स में जो है थ्री फेज का सप्लाई दिया जाता है जो कि बस बार का ही होता है। ये जो दो बस बार्स एक जगह में जहां पर जॉइंट होता है उस जगह में नट बोल्ट से उसे जो है टाइट किया जाता है। गाइस, ये जो हमारे MCC पैनल्स इसमें आपको जो है बहुत सारे छोटे छोटे फीडर्स देखने को मिलेंगे और उस फीडर्स में जो है सप्लाई हमारे जो भी वर्टिकली जो बस बार लगा होता है उस वर्टिकली बस बार से जो है हर एक फीडर्स में जो है सप्लाई दिया जाता है। अब सपोज मान लीजिए कि किसी भी आपके एक फीडर में जो है प्रॉब्लम आया हुआ है तो आप जो है उस फीडर में जो भी MCCB या फिर SFU लगा है उस SFU को आप जो है ऑफ करके उधर से जो है आप सेपरेट कर सकते हो अपने फीडर को और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करके फिर से आप जो है उसे रन करवा सकते हो। ये जो बस बार है इसका मेन रीजन ये भी है कि ये जो है इजीली ट्विस्ट हो जाता है, ये जो है लाइट वेट है, जो है 90 डिग्री पे जो है ट्विस्ट करना बहुत आसान होता है। तो गाइस, ये जो है कुछ ऐसे रीजन है जिसके वजह से जो है हम लोग बस बार्स का यूज करते हैं। बस बार है ये बस बार को जो है इलेक्ट्रिकल के जो भी पैनल्स है उस पैनल्स में इंसुलेटर के सहारे जो है लगाया जाता है। गाइस, आई होप कि मैं आपको जो है समझा सका आखिर ये बस बार का यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है उसके अपडेट आपके तक जो है बहुत आसान तरीके से पहुँच जाए। तो गाइस, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।